दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और स्टार्ट कर दिया मैंने आज का जो है वीडियो। तो आज जो मैं लेके आई हूँ, आज मैं फुटमैट कलेक्शन जो है मेरे पास, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे पास कितने तरह के फुटमैट मैं यूज़ करती हूँ, किस किस साइज़ में है। तो ये जो है ना, मतलब अलग अलग साइज़ में और अलग अलग क्वालिटी में है, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आज। तो ये जो है, सबसे पहले मेरे पास काफ़ी सारे हैं और भी रखे हुए हैं, तो मैं एक एक जो है पीस वो मैंने दिखा दूँगी आप लोगों को। और ये जो है ना, ये मैंने नॉर्मली ही मार्केट से, लोकल मार्केट से लिया था। और ये इसमें जो है ना, इस तरह का लेदर का ये जो लगा हुआ है शीट से, इससे ना ये चिपक जाता है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं बाथरूम के बाहर। तो वो मैं इसलिए करती हूँ कि अभी मेरे पास जो है, मैंने एक पहले ऑनलाइन मंगवाया था, और मेरी किचन जब नहीं बनी थी उस टाइम पे मैंने मंगवाया था, उसमें भी इस तरह का ये लगा हुआ था। तो मेरे से गलती ये हो गई थी कि मैंने उसको वॉशिंग मशीन में धो दिया था, तो ये पूरा जो है निकल गया है। तो अब मेरे को पता लग गया है कि अगर इस तरह की कोई जो पीछे जो लगी रहती है सीट लेदर टाइप का जो होता है, तो इसको वॉशिंग मशीन में वॉश नहीं करना है। तो ये अभी ठीक चल रहा है, और ये मतलब बहुत सस्ता, ये मार्केट से जो है वो 100 रुपये का मैंने ख़रीदा है। तो एक जो पहला पीस है वो ये है, और इसको मैं बाथरूम के बाहर जो है यूज़ करती हूँ। तो मतलब जहाँ पे भी बाथरूम है, 3-4 बाथरूम है मेरे घर पे, तो सबके आगे मैं इसी तरह का जो है यूज़ करती हूँ। सो ये हो गया नंबर 1। अब जो सेकंड आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो ये जो है ना, ये इस तरह के जो बबल्स बने हुए इस तरह के आते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े का है, और इसमें भी इसी तरह का ये लगा हुआ, लेकिन इसको वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ मैं। ये जो है ना, इसमें दोनों में फ़र्क है, क्योंकि ये क्वालिटी वाइज थोड़ा हल्का भी, 100 रुपये में क्या लोगे, वो वाली बात है, तो इसलिए। और ये मैंने लिया था, इसको कि मॉल से लिया था मैंने, लोकल ही लिया था, लेकिन मॉल से लिया था। तो इसको ये हम वॉश कर सकते हैं, तो इसको मैं वॉश कर देती हूँ। और ये बहुत टाइम हो गया चलते हुए, और ये मैंने जो है पेयर में लिया था। रेट मुझे अब याद नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, ज़्यादा करीब 2 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते करते, और ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही है, इसका कुछ भी नहीं ख़राब हुआ। तो ये मैं कहीं पे भी, जैसे रूम्स वगैरह के आगे या कोई छोटी जगह होती है, मैं वहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी जो है चिपक जाता है, ये हिलता नहीं है। तो दूसरा जो है वो मेरा ये हो गया है। अच्छा, अब इसको मैं फुटमैट तो नहीं कहूँगी, ये गलीचा वैसे है टाइप का थोड़ा सा, इसका साइज़ जो है ये है। तो ये आप देख के ही समझ गए होंगे, इसको मैं मंदिर में यूज़ करती हूँ। आपने मेरे मंदिर में भी देखा होगा, जब मैं मंदिर में पूजा वगैरह करती हूँ या कुछ भी, तो ये, इसको बहुत साल हो गए। ये नॉर्मल आप लोगों को हो सकता है मिल जाएगा, लेकिन है ना, क्वालिटी वाइज ये जो मैंने लिया था, तो ये ऋषिकेश से लिया था मैंने। करीब इसको हो गए होंगे 15-16 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए इसको। और 16 साल से इसको मैं कंटिन्यू इसको यूज़ कर रही हूँ, और इसको वॉश कर रही हूँ। चाहे इसको आप हाथ से धो, चाहे मशीन में धो, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो मुझे नहीं पता अब ये क्वालिटी यहाँ लोकल मार्केट में कहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन इसकी जो है ना लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है, और इसको मैं इतने लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो आप देखो, एक जगह भी कहीं भी ख़राब नहीं हुआ। जैसे मैंने परचेज़ किया था, ये उसी तरह का है। और शायद ये 16 साल पहले मैंने 850 रुपये का लिया था। ऋषिकेश में एक शॉप है, गंगा जी की दुकान के, मतलब तो गंगा जी जो हैं उनके सीढ़ियाँ चढ़ के साइड से, अब मुझे इतना एड्रेस याद नहीं है, तो बहुत कुछ बदल जाता है समय के हिसाब से। तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया था, तब हमें महंगा लग रहा था ये, कि 15-16 साल पहले बहुत कीमत होती थी, 1000 रुपये की भी। तो ये मैंने तब लिया था, लेकिन आज लग रहा है ये जैसे हमें फ्री में मिला हो, क्योंकि इतना टाइम यूज़ होने के बाद भी ये ऐसे के ऐसे ही रखा है। सो दोस्तों, ये जो हो गया मेरा कलेक्शन, और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और ये ना जो इस तरह की, इनका साइज़ रेगुलर साइज़ से थोड़ा सा बड़ा भी है, या रेगुलर साइज़ कह लो, तो ये छोटा साइज़ था, ये थोड़ा उससे बड़ा है। देखो साइज़ भी आप लोगों को, ये देखिए कितना डिफरेंस है साइज़ में इसमें। और थिकनेस बहुत अच्छी है, मतलब मोटा इतना है, ये बहुत मोटा है। बस इनकी एक ही रहती है कि अगर इनको सर्दियों में वॉश कर दो तो सूखने में ड्रायर वगैरह करने के बाद भी एक दिन ले लेते हैं, मतलब बहुत जल्दी ये थोड़ा सा नहीं सूखते हैं, गर्मियों में सूख जाते हैं। लेकिन कपड़ा इनका इस तरह का है कि आप मशीन में धो, हाथ से धो, ब्रश से धो, कूट के धो, कैसे भी धो, 10 साल आप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये मैं लाती हूँ मार्केट से, तो नहीं लाई हूँ, ये कहाँ बताऊँ, मेरी एक दीदी रहती हैं, उनके यहाँ एक कारपेट का जो है वो शोरूम है उनके यहाँ, तो ये एक्सपोर्ट का माल जो होता है वो वहाँ से ये सेल करते हैं। अगर मतलब आप लोग वहाँ से देख रहे हो, मुझे नहीं पता, अगर आप लेना चाहोगे तो इतनी दूर से शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ ये अगर आपको कहीं भी इस तरह की चीज़ मिलती है तो आप ले सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। वह चीज़ की पसंद, मतलब थोड़ी सी चॉइस पता लग जाता है कि इस तरह की चीज़ें तो हाँ ये चलेगी। तो इसमें कलर काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन इसमें कलर सारे लाइट ही आते हैं। एक इसका यही एक माइनस पॉइंट है, ये तो फिर भी चलो ऑरेंज है, और ये जैसे ये भी है इसी चीज़ में है, ये देखो सेम चीज़ है, ये कलर इस तरह के आते हैं इनमें, बहुत लाइट कलर आते हैं, स्किन कलर आता है थोड़ा ज़्यादा, मतलब डार्क कलर नहीं आते हैं। तो मैं तो यूज़ करती हूँ क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा है, ये भी है, तो इनको कमरों के आगे है या कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो है ना कलेक्शन मेरा इतने सारे हो गए, तो ये बस कलर लाइट है इसका, और कोई इसका माइनस पॉइंट नहीं। 10 साल आप इनको कुछ भी नहीं ख़त्म नहीं कर सकते हो। अगर जब आपका जी भर जाता है आप फेंक सकते हो, लेकिन आप इनको फाड़ नहीं सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बहुत बहुत साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं वहीं से लेके आई थी। और इनमें साइज़ बहुत होते हैं, तो बहुत सारे साइज़ होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो जैसे चाहिए होते हैं वैसे मिल गए आपको। तो इनको भी मैं रख देती हूँ यहाँ पे, और इसी में से मेरा एक ये वाला भी, तो ये इसका कलर था बिल्कुल स्किन कलर का था बहुत। इसको मैंने यूज़ कर लिया, 5-6 साल यूज़ करने के बाद मैंने इसको ना कलर कर दिया, घर पर ही मैंने कॉफ़ी कलर ला के कर दिया। तो कहीं पे भी वेस्ट जगह होती है तो वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ है हम लोग फेंकने का मन तो हमारा होता ही नहीं है, कितनी भी चीज़ ख़राब हो जाए तो यही लगता है इसको कहीं और यूज़ कर लेंगे, छत वत पे। सो दोस्तों, एक ये जो है इसको फुटमेट कहें या इसको रनर कहें या डोमेट, जो भी आप कह सकते हो, तो ये क्वालिटी वही है क्योंकि मैं एक ही जगह से वहीं से लाती हूँ। और ये देखिए आप, जब इसको हम ऐसे बिछा देते हैं तो ये बिल्कुल, मतलब क्योंकि वेट होता है इनमें, थोड़े हैवी होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और इनका जो ऊपर का कपड़ा है ना ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। इसको मशीन में भी धो दो, चाहे हाथ से कैसे भी धो दो, थोड़ा हैवी होते हैं तो मशीन में ही धोती हूँ मैं। लेकिन और इस तरह के मेरे पास और भी हैं, तो इसको मैं बेड के इधर अगर सब जगह इनको जो यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं किचन में यूज़ करती हूँ, तो इसी साइज़ के मेरे पास और भी 5-6 हैं, ज़्यादा ही होंगे, इससे थोड़े चौड़ाई वाले भी हैं, लंबाई वाले भी। मैंने आपको बताया कि इसमें कई साइज़ आते हैं, एक साइज़ नहीं रहता। तो इसको ना सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट ये होता है कि जब सर्दियों में हमारे घर में ना, मैं चप्पल नहीं हमारे घर में आती नहीं है, क्योंकि वही किचन है, मंदिर है, छोटा सा घर है, तो चप्पल के मतलब अंदर नहीं आती है, चाहे कितनी भी सर्दी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉक्स यूज़ करते हैं सर्दियों में। गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं कुछ भी मतलब ठंडा लगता है फर्स्ट। लेकिन सर्दियों में प्रॉब्लम ये होती है कि पैर नीचे नहीं रखा जाता बिल्कुल भी, बेड से जब बहुत ठंड होती है तो हम लोग सॉक्स यूज़ करते हैं, तो सॉक्स में भी ठंडा लगता है। तो ये इस तरह के जो है ना, ये देखिए कितनी इसकी लेंथ होगी, इस तरह के जो रनर है इससे बड़े साइज़ के मैं पूरे घर में बिछा देती हूँ। जैसे बेड के इधर साइड से लगा दिए, दोनों तरफ हो गए या 3 तरफ, तो आप जहाँ भी पैर रखते हो आपको नीचे ये मिलेंगे। आंगन में भी, किचन में ऑलरेडी यूज़ करती हूँ मैं फुटमेट होते ही, तो मेरे पूरे घर में 10-12 जो हैं इस तरह के हैं, मैं पूरे में इनको बिछा देती हूँ। और फिर सर्दियों में दिक्कत जो है नहीं आती है, और गर्मियों में फिर मैं उनको रख देती हूँ, सर्दियों में निकाल लेती हूँ, गर्मियों में कम की जो ज़रूरत पड़ती है। फिर भी मेरे घर में जो है रनर फुटमेट ज़्यादा यूज़ होते ही हैं, क्योंकि सुबह मतलब आदत है या कह लो जो भी है, तो हम लोग काफ़ी यूज़ जो है करते हैं। तो ये सबसे अच्छा हमारा एक जो ये है कि मुझे ना बहुत, अगर मैं कारपेट हर जगह नहीं बिछा सकती, बड़ी वाली कारपेट जैसे रूम में बिछा दी हमने या हर जगह नहीं बिछा सकते क्योंकि सफाई करने में दिक्कत आती है, तो ये हमें इसलिए कंफर्टेबल रहते हैं, इनको उठा के झाड़ के धो भी दो, झाड़ दो कर दो और फिर इनको यूज़ कर लो। तो ये जो है मेरी बहुत अच्छी हैं। और ये जो है ये भी एक इसी का हिस्सा है। तो ये जो कार्पेट टाइप के आते हैं ना, इसका साइज़ थोड़ा सा चौड़ाई में अच्छा है, रनर से थोड़ा कम है और मतलब सनाना भी कई तरह के आते हैं, वही है। तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा लग रहा है साइज़, नहीं तो इसका ठीक है। इसको मैं बेड के इधर जो है ये मेरा हमेशा ही रहता है। एक और इसके पीस रखे हुए वो मैंने नहीं निकाले हैं। मैं ज़्यादातर इस तरह के यूज़ करती हूँ। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो फुटमैट इतने सारे आप लोगों को मैंने दिखा दिए हैं, और इनमें से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया आप लोग बताइएगा। और ये बहुत महंगे भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैंने जहाँ से लिए वहाँ से आप ना ले सको, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मॉल में आपको मिल रहे हैं तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, पर सारे साइज़ अवेलेबल हैं कि नहीं है। लेकिन जो रेगुलर साइज़ है वो आपको मिल जाएंगे, जैसे ना ये वाला रेगुलर साइज़ है ना, ये आपको मिल जाएंगे। बड़े साइज़ का मैं नहीं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो भी कलेक्शन था मैंने आप लोगों को बता दिया, दिखा दिया। कैसे लगे आप लोग बताइएगा। सो दोस्तों, यही मैं आप लोगों से कई सोच रही थी। और जो बड़ी कारपेट हैं वो मेरे जैसे रूम में बिछी हुई हैं, तो वो रेगुलर है, वो सभी की यहाँ होती हैं, उनमें कोई ऐसा तो नहीं है। एक दो कारपेट ऐसी है जो मेरी बिल्कुल न्यू है, मुझे गिफ्ट मिली हुई है, तो उनको मैंने रखा हुआ है संभाल के, कहीं कभी उनको यूज़ करूँगी या निकालूँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। सो दोस्तों, आप लोग बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।